जो ये आपकी हिंदी के व्याकरण बुक किताब है, आज की कक्षा में हम आपके जो पाठ 9 क्रिया है उसका अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पाठ 9 क्रिया में पढ़ा था कि जिस शब्द से काम का करना या होना पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द को भी पढ़ा था हमने, और क्रिया शब्द ये थे जैसे कि रोना, पढ़ना, खेलना, जागना, लाना, लिखना, गिरना, भागना, सोना, हंसना, सुनना, उठना, और भी शब्द हैं इसमें। गाना, नाचना, बोलना, बैठना, चढ़ना, करना, पकाना, सोचना, उतरना, कूदना, झूलना, काटना इत्यादि ये क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द के भेद दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और जिस क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आगे आपका अभ्यास कार्य है, चित्र देखो और क्रिया लिखो। अब चित्र देखने में यहाँ पे क्या हो रहा है, नहाना हो रहा है। क्या क्रिया हो रही है, नहाना, नहाने का हो रहा है। यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है, लिखना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बताइए, नाचना। अब आगे प्रश्न 2 है, संज्ञा को सही क्रिया तक रेखा खींचकर मिलाओ, उदाहरण देखो। सूरज उग रहा है, ये मिलाया हुआ है, इसी प्रकार हमें देखना है। कलियां खिल रही हैं, तो कलियां खिल रही हैं ये इससे होगा क्योंकि कलियां खिलती हैं। हमें ध्यान देना है कि वाक्य के साथ वो मिलना जरूरी है। पक्षी हिल रहे हैं, पक्षी हिलते नहीं हैं, ये नहीं मैच होगा। पक्षी पतंग उड़ा रहा है, ये भी नहीं होगा। पक्षी दूध पी रही है, ये भी नहीं होगा। पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ ये पक्षी सही वाक्य है, हम यहाँ पे मिला देंगे, पक्षी उड़ रहे हैं, यानी ये क्रिया संज्ञा से मेल हो रहा है। पौधे हिल रहे हैं, पौधे पतंग उड़ा रहा है, पौधे दूध पी रहे हैं, ये सही क्या है इसके साथ, पौधे हिल रहे हैं, पौधे हिल रहे हैं क्रिया जो है इसके साथ आएगा। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चा दूध पी रही है, तो सही क्या है, पतंग उड़ा रहा है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बिल्ली दूध पी रही है, ये आपका सही मिलान होगा। अब आता है इन वाक्यों में हुई क्रिया संबंधी गलतियों को ठीक कर वाक्य दोबारा लिखो, उदाहरण देखो। यहाँ पे उदाहरण देखना है, उदाहरण तो दिया नहीं है। सोहन गाना गा रही है, तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि सोहन लड़का है तो गा रही नहीं होगा, गा रहा होगा, तो हम इसे लिख देंगे, सोहन गाना गा रहा है। बंदर नाच रही है, बंदर पुरुषलिंग है तो इसलिए पुल्लिंग है, तो नाच रहा होगा, बंदर नाच रहा है। केला पेड़ से गिर गई, तो सही क्या होगा, केला पेड़ से गिर गया। माँ खाना बना रहा है, तो माँ तो स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा, माँ खाना बना रही है। चिड़िया दाने चुग रही है, चुग रहा है यहाँ पे लिखा है, तो हमारा क्या होगा, चिड़िया
चिड़िया दाने चुग रही है। दिए गए वाक्यों में से क्रियाओं को छांट कर लिखें। अब यहाँ पे आगे हमें क्रिया को छांट करके लिखना है। चिड़िया डाली पर बैठी है, तो कहाँ पर इसका क्रिया क्या होगा? बैठी है। लड़की खेलती है, तो क्या होगा? खेलती। खेलती जो है क्रिया है। अब पेज को टर्न करेंगे। बंदरिया नाच रही है, तो बंदरिया इसमें क्या हो रहा है काम? नाच रही का। यश दूध पी रहा है, तो क्या होगा? पी रहा। विजय फूल तोड़ता है, तोड़ता। है ये क्रिया है, तोड़ना क्रिया होगी। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। क, जिस क्रिया में कर्म होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक जिसका कर्म नहीं होता उसे कहते हैं सकर्मक, जिसमें कर्म होता है उसे कहा जाता है। तो जिसमें जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आप, जिस क्रिया में क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है यानी कर्म होता है उसके अंदर, उसे सकर्मक कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2, 3 या 4? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सही विकल्प है हमारा 2। राहुल पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर देखो, पढ़ता है कर्म है साथ में, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। राहुल ने यहाँ पर राहुल पढ़ता है होता तो अकर्मक हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो साथ में कर्म है, राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो सकर्मक क्रिया हुई। आप दिन भर कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? कोई 5 क्रियाएं लिखिए। तो यहाँ पे कोई भी 5 क्रिया आप लिख सकते हैं, जैसे नहाना, सैर करना, पढ़ना, खाना, सोना। ठीक है, तो इस कार्य को आप अच्छे से करेंगे और समझेंगे भी, और सुंदर हैंडराइटिंग में इस कार्य को पूरा करेंगे और अपनी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। धन्यवाद।